गाइज दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय हॉटस्पॉट मोबाइल्स। हॉटस्पॉट मोबाइल्स को मैं थैंक्स कहना चाहूँगा क्योंकि इन लोगों ने मुझको लॉन्च के 3 दिन पहले ही मोटो जी 5G की रिव्यू यूनिट प्रोवाइड कर दी है। तो अगर आप लोग भी दिल्ली से हो तो आप लोग हॉटस्पॉट मोबाइल से कोई सा भी फ़ोन बाय कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को A to Z कंपनी के सारे डिवाइसेस देखने को मिल जाते हैं। तो इनकी पूरी डिटेल्स मैंने दे रखी नीचे डिस्क्रिप्शन पे, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। गाइज आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं पबजी टेस्ट ऑफ दी मोटो जी 5G। अब इस डिवाइस का अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अवेलेबल नहीं है बॉक्स, तो इसकी मैं अनबॉक्सिंग अभी नहीं कर पाऊंगा, बट बहुत ही जल्दी इसकी अनबॉक्सिंग भी आप लोगों को मेरे चैनल पे मिलेगी, तो उसके लिए स्टे ट्यून करना। गाइज अब हम लोग जल्दी से बात करते हैं इसके कुछ कॉन्फ़िगरेशंस की। इसके अंदर आप लोगों को स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर मिल जाता है जो कि आप लोगों की पबजी को काफ़ी स्मूथली चला देता है। एंड उसी के साथ साथ इसके अंदर आप लोगों को स्टॉक एंड्रॉयड मिल जाता है जो कि आप लोगों को एकदम क्लीन लुक देगा और इसके अंदर कोई भी ब्लोट वेयर्स नहीं आते। हम लोग करते हैं पबजी स्टार्ट। पबजी के अंदर मैं आप लोगों को फर्स्टली खेल के दिखाता हूँ लाइब्रेरी गेम। अब इसके अंदर आप लोगों की जो पबजी है वो हाई ग्राफिक्स पे चल जाती है। यहाँ पे मैंने कलरफुल प्लस HD पे चला रखा है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कोई भी फ्रेम ड्रॉप या फिर लैग स्टटर देखने को हमें नहीं मिल रहा है। उसी के साथ साथ ये जो पबजी है काफ़ी ज़्यादा स्मूथली चल रही है और इसमें अगर हम लोग FPS की बात करें तो कंटिन्यूसली 45 FPS दे देती है और उसके आगे ये नहीं जा पाता बिकॉज ये प्रोसेसर अभी सपोर्ट नहीं करता है। अगर हम लोग बात करें बाकी सारी चीज़ों की तो बाकी ये फ़ोन जो है वो हीट बिल्कुल नहीं करता। इसकी मुझको एक बात काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और हीट वैसे भी नहीं करना चाहिए भाई, प्लास्टिक बैग है और प्लास्टिक बैग में इतना ज़्यादा हीट नहीं करता है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो पबजी है उसमें आप लोगों को 60Hz की स्टैंडर्ड डिस्प्ले देखने को मिलती है और पबजी में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आती। गाइज आप लोगों को मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, ये जो डिवाइस है इस डिवाइस के अंदर आप लोगों को जो IPS LCD डिस्प्ले मिलती है इसके अंदर आप लोगों का जो पबजी के कलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड हैं एंड इस डिस्प्ले के अंदर आप लोगों को कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। उसी के साथ साथ HDR10 डिस्प्ले है और वो डिस्प्ले होने के बावजूद इसके अंदर जो कलर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सैचुरेटेड आते हैं। अगर हम लोग बात करें इसको, देखो आप लोग ये अलग गेम प्ले देख सकते हो, ये मैंने कलरफुल ग्राफिक्स में चला रखा है। यहाँ पर आप सब देख सकते हो कलर्स कितने ज़्यादा उभर के आ रहे हैं। आप लोग यहाँ पे ये ट्रीज़ और बाकी सब चीज़ों को देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छे से आ रहा है और यहाँ पर अभी तक कोई भी लैग स्टटर देखने को नहीं मिला। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो इनिशियल टेम्परेचर तो मैं आप लोगों को एकदम एक्यूरेट बता नहीं पाऊँगा, बट अगर हम लोग प्रोसेस बैक की बात करें तो बैक हल्का हल्का हीट हो रहा है। तो डिवाइस हल्का फुल्का तो हीट होता है, अब हल्का फुल्का कोई सा भी डिवाइस हो वो हीट हो ही जाता है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें इसके FPS की तो इसमें आप लोगों को कंटिन्यूसली 45 FPS दे रहा है ये डिवाइस। एंड इस डिवाइस के अंदर आप लोगों को स्पीकर्स की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, तो पबजी खेलते वक्त आप लोगों को कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। उसी के साथ साथ आप लोगों को ये जो पंच होल कैमरा है इसमें वो कोई भी दिक्कत नहीं देने वाला है, वो एकदम साइड में रहता है तो कोई उससे दिक्कत नहीं होती है और आप लोगों का गेमिंग एक्सपीरियंस भी एकदम इमर्सिव रहता है क्योंकि आप लोगों को जो डिस्प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड देखने को मिलती है। मैक्स सिनेमा विजन डिस्प्ले कहता है मोटो इसको। अब देखते हैं, वो तो आगे हम लोग रिव्यू करेंगे तो देखते हैं इसका, और इसके रिव्यू के लिए आप लोग स्टे ट्यून करना, मेरे चैनल पर ही आप लोगों को मिल जाएगी। वहीं पे अगर हम लोग बात करें बाकी सब चीज़ों की तो इसके अंदर जो 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है वो पबजी आप लोगों को पूरा 1 से 1.5 घंटे के बीच में आप लोगों की 100 से अगर हम लोग चेक करें तो 100 से 75 तक 1 से 1.5 घंटे के बीच में आ जाती है। तो आप लोग बोलोगे तो बहुत जल्दी ड्रेन होती है, बट ऐसा नहीं है। 75% के बाद जो ड्रेन है वो ड्रेनिंग है वो थोड़ा सा घट जाता है। अब मुझको लगता है ये शायद कोई बग चल रहा है इस डिवाइस में। मैंने इसको 2 दिन से टेस्ट कर रहा हूँ और अब मोटो को शायद इसमें कोई अपडेट पुश करने की ज़रूरत है बिकॉज इसके अंदर 1-2 बग्स हैं। लाइक आप लोगों की जब गेमिंग आप लोग करते हो ना तो बहुत से बार इसके जो ट्रिगर्स हैं मतलब बटन्स हैं वो दबते नहीं हैं, तो उसकी वजह से आप लोगों का जो एम है वो बिगड़ जाता है। तो शायद से कोई सॉफ्टवेयर इशू हो या फिर पता नहीं क्या है, बट मेरे डिवाइस में तो ये आ रही है प्रॉब्लम। और बाकी पबजी अभी तक कोई भी इसमें हीटिंग या फिर वैसी भी दिक्कतें नहीं आई हैं, अभी भी जो फ्रेम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चल रहे हैं। आप लोग इसको चेकआउट कर ही सकते हो।
अब इस गेम प्ले को मैं थोड़ा सा यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आप लोग बोर हो। और आप लोग एंड का जो कंक्लूजन वाला पार्ट है वो ज़रूर से देख के जाना, वहाँ पे आप लोगों को मैंने एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात बताई है इस डिवाइस की गेमिंग को लेकर। गाइज अब हम लोग यहाँ पे एक टीडीएम मैच खेल के देखते हैं, बिकॉज टीडीएम एक ऐसा एरिना मोड है जहाँ पे जो डिवाइसेस हैं वो मैक्स टू मैक्स लैग कर ही जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे हमारी जो टीम्स होती हैं वो एक साथ सामने आती हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिवाइसेस लैग करे हैं, मैंने खुद टेस्ट करे हैं। देखते हैं मोटो G5G लैग करता है कि नहीं। यहाँ पर मैंने हल्का सा एक जगह फ्रेम ड्रॉप देखा था, आप लोग देख सकते हो हल्का हल्का फ्रेम ड्रॉप इसमें अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है। अगर हम लोग FPS की बात करें तो FPS अभी TDM में थोड़ा थोड़ा ड्रॉप करना स्टार्ट कर देता है, बट मुझको नहीं पता ये ऐसा क्यों हो रहा है, बट अभी भी जो TDM है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथली चल रहा है। मुझको लगता है शायद से ये उसकी वजह से हो कि क्योंकि मैंने हाईएस्ट ग्राफिक पे चला रखा है, बट ऐसा तो नहीं होता है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो TDM अभी तो स्मूथ चल रहा है, बट जगह जगह पे हल्का हल्का एकदम माइनर सा इसमें फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल ही जाता है। तो स्नैपड्रैगन 750G बेस्ट प्रोसेसर है, और जो इसका मोटोरोला ने इसमें जो स्टॉक एंड्रॉयड दिया है वो भी काफ़ी स्मूथली इस प्रोसेसर को हैंडल कर लेता है। अगर हम लोग देखें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हल्का सा आप लोगों को लैग स्टटर देखने को मिला, और उसी के साथ साथ आप लोग देखो यहाँ पे जब स्पॉन होते हैं तब हल्का फुल्का लैग देखने को मिलता है, तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगी यार। इस प्राइस सेगमेंट में मोटो G5G को लैग नहीं करना चाहिए था, बट लैग हल्का हल्का करता है। और अगर हम लोग क्लासिक मैचेस देखें तो क्लासिक में तो भाई लैग ही कर जाएगा। तो हाँ, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ क्लासिक मेरे इसमें चल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों क्या हो रहा है, और क्लासिक मैच नहीं चल पा रहा मेरा पबजी में, शायद बैन के चक्कर में, पता नहीं क्या है। हाँ, उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें बाकी सब चीज़ों की तो जो डिवाइस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और इस प्राइस रेंज के अंदर आप लोगों को मोटो G5G जैसा डिवाइस मिलता है तो वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस आप लोग इसको कह सकते हो। और मेन बात एक ये आती है कि बहुत से लोग अब मेरे से ये चीज़ पूछने वाले हैं कि भाई गेमिंग के लिए इस डिवाइस को लें या ना लें, तो बेस्ट डिवाइस है आप लोग ले सकते हो, और हल्के फुल्के लैग स्टटर्स तो देखने को मिल ही जाते हैं। स्नैपड्रैगन 730G जैसा प्रोसेसर भी लैग कर जाता है, तो उसमें कोई बिग इशू नहीं है, बट आप लोग ले सकते हो, कंटिन्यूसली आप लोगों को अच्छे FPS दे देता है ये। और गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही था, आई होप आप लोगों को ये वाला गेम प्ले अच्छा लगा, और मोटो G5G के ऊपर मैं और भी ज़्यादा वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगा, तो आप लोग स्टे ट्यून करना। और रिसेंटली मैंने आप मोटो G5G का कॉल ऑफ ड्यूटी टेस्ट भी डाला है, तो आप लोग उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे खेल के बताई है। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग चाहते हो मुझको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है अंस.565। बाय एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट।